Reverend Mangatram Pasla, he will address the open session now. अध्यक्ष जी और मंच के ऊपर बैठे हुए वामपंथ के तमाम बड़े नेता, हमारे मित्र देशों से आए हुए हमारे कांग्रेस भाई और सारे देश से एकत्र हुए डेलीगेट भाइयों और बहनों, मैं समय पे घड़ी के मुताबिक 5 मिनट से कम बोलूंगा क्योंकि मुझे मतलब मालूम है इतना बड़ा सम्मेलन है। पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी को यहां आमंत्रित करके मुझे आपके सामने बोलने का मौका दिया और साथ में मैं आपको क्रांतिकारी अभिनंदन देता हूं आपकी पार्टी कांग्रेस को। ये पार्टी कांग्रेस को इस लाल सा नहीं होती, ये कम्युनिस्टों की पार्टी कांग्रेस है। इसमें बहुत से ऐसे विचार होते हैं जो हमारे देश की जिंदगी के लिए बहुत अहम होते हैं, उसकी कामयाबी होगी। मुझे तीन कांग्रेस अटेंड करने का मौका मिला और मुझे पूरी आशा है कि ये कांग्रेस एक नई बात बताएगी लोगों को। लेकिन मेरा मैं पार्षदों की बातें सब कह दी गई हैं, कम्युनिस्टों के बारे में एक क्रांतिकारी है कितना कुर्बानी कर सकते हैं इसके बारे में कोई कहने की जरूरत नहीं है, भरम भी नहीं। जब देश में अभी कांग्रेस पार्टी बनी थी बहुत कमजोर थी, उससे पहले भी गदर पार्टी वालों ने इक्वलिटी का एक नारा लगाया था। कांग्रेस पार्टी बन गई उससे पहले ही करतार सिंह सराभे ने एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी और कांग्रेस पार्टी 25 में बनी, सीटों वाले हमारे साथी बड़े नेता कहते 1920 में बनी, 11 साल बाद 20वीं मान लीजिए, 11 साल बाद भगत सिंह वही क्रांतिकारी की बात करता हुआ फांसी पे चला। आजादी की लड़ाई में कम्युनिस्टों की कुर्बानी कुछ ऐसी बात नहीं है। आजादी के बाद तमाम जो वामपंथी दल बैठे हैं इन्होंने बहुत से दुख झेले हैं। बंगाल में सेमी फासिस्ट तरह के दिनों में मैं पार्टी में था, हमें उस समय का गर्व भी है। नक्सलवाड़ी लहर में हमारे साथी कितने शहीद हो गए, हम उनको अभी प्रणाम करते हैं। पंजाब में आतंकवाद हुआ, हमारे 400 साथी कुर्बान हो गए। सलीम जी हमारे साथी हैं, भाई जैसे हैं। ये पंजाब में जब जाते थे तो किसी समागम में जाते थे, कोई साथी शहीद हो गया होता तो जाते थे। तो हमारी कम्युनिस्ट आज की लड़ाई में भी कम्युनिस्टों के बारे में ये भ्रम नहीं है। इसीलिए मोदी को ये कम्युनिस्टों की आइडियोलॉजी बहुत नापसंद है। किसान आंदोलन के बाद उसने लोगों ने पूछा उसको कि कम्युनिस्टों के बारे में तेरा क्या विचार है, उनका थोड़े रहते हैं ज्यादा नहीं है ये, पर इनकी आइडियोलॉजी बहुत खतरनाक है। ये मैं कुछ ऐसा भाषण में ये नहीं कह रहा हूं, उसको मालूम है कि उसकी आइडियोलॉजी का मुकाबला सबसे ज्यादा अच्छी तरह वामपंथ कर सकता है। इसलिए ये हमारी एक साइट है, इस पर गर्व कीजिए, इस पर आगे चर्चा कीजिए। लेकिन जो अपनी अचीवमेंट्स के बीच में अपनी कमजोरी को छुपा लेता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। आज मैं इस आंदोलन हमारे साथी बैठे हैं, बहुत प्रिय साथी हैं, ये बात समझते हुए हमने क्या किया है, हमारी कुर्बानी कितनी की है, ये पूरा जरूर विचार कीजिए। हम भी करेंगे, तमाम वामपंथ करें कि हमारी कमजोरी कहां रही है। मैं कमजोरी लोगों की नहीं कहता कि लोग कमजोर हो गए, लोगों ने हमें वोट नहीं डाला, ऐसी बात नहीं है। लोगों ने हमको वोट भी डाला, लोगों ने हमें प्यार भी दिया, लेकिन वो दिख जो होनी चाहिए वो कम्युनिस्ट देश के लिए लड़ने मरने वाले लोग अभी इस परिस्थिति में हम बैठे हैं, देश से गद्दारी करने वाले साम्राज्य के दलाल देश की सत्ता के ऊपर बैठे हैं। अंतर है, हम इसलिए कोई ये लोगों को नहीं कहते कि लोग बुरे हैं, हमारी कहीं ड्यूटी में कमी रह गई, वो हमें ड्यूटी पहचाननी चाहिए। हम किस बात को नहीं पहचान पाए भारत एक, अभी तक मैं सोचता हूं कई बार कि शायद कोई कम्युनिस्ट आंदोलन भी नहीं समझ पाए, दावा नहीं कर सकता कि मैंने देश के तमाम भौगोलिक समाज का अर्थव्यवस्था को जान लिया। निम्रता से कह रहा हूं मैं, हम तो बहुत ही छोटे हैं, हम तो क्या कहेंगे,
मेरा ये कहने का कि ये बातें हमको बैठ के विचारना चाहिए कि हमारी कॉम्युनिस्ट आंदोलन आगे कैसे बढ़े। इसमें निराशा की बात नहीं है, मैं तो कई बार कहता हूँ सफलता में यदि तुम कमजोरी ना नोट करो आपकी सफलता दुगल हो जाए, यदि कमजोरी रहते हुए तुम सफलता की बातें करते जाओ कमजोरी को ठीक नोट ना करो तो फिर कमजोरी और बढ़ जाएगी। मेरा ये कहना कि वो कमजोरी क्या है तमाम मेरे साथियों को मालूम है, इसमें एक पूरा बहस होना चाहिए। एक मेरा सुझाव है, देश में बहुत बड़ा खतरे की बात हो गई उसमें मैं कोई दोहराना नहीं चाहता, मेरी निम्रता से विनती है कि देश के वामपंथ के बड़े हमारे पार्टी वाले साथी बैठे हैं इनको बैठ के तमाम वामपंथ वालों से डिस्कशन शुरू करना चाहिए। यहाँ बोलना और बात है, मैं बोल के चला जाऊंगा पांच से छह मिनट भी लगा सकता मैं क्योंकि मुझे मालूम है, लेकिन एक विचार चर्चा संवाद की तो बुरी बात नहीं है, एक संवाद तो जाओ कि हमारे में अंतर क्या है, जब बैठ के बात करते हैं अंतर दिखता कोई नहीं है। जब एक दूसरे से हम पंजाब में या बैठते हैं कई बार देशभर यादगार हाल में बैठते हैं, हम कई आंदोलनों में साथ होते हैं, एक हमारे बड़ी रैली सीपीएम सीपीआई हम लोग लिबरेशन एक बड़ी रैली की प्रकाश का जी गए थे, बंकर जी गए थे, जब बैठते हैं तो अंतर कम दिखता है, लेकिन वो अंतर क्या है, हम बैठते विचार अंतर है ये मैं नहीं कहता अंतर कोई नहीं है, लेकिन वो अंतर को बैठते विचार करें कुछ अंतर को पोस्टपोन किया जा सकता है, जो अंतर 40 साल बाद दिखना चाहिए अभी अंतर को रास्ते में अड़चन क्यों बनने में, अभी तो जिसमें हमारा मुद्दा एक लुप्त है उसको तो साथ में ला के इकट्ठा हो एक बार। दूसरा मेरी विनती है कि अभी देश में फैशिज्म का खतरा बहुत है, हमारी दो तरह की लड़ाई है, लड़ाई ये है एक हमारी आर्थ मोर्चे पे लड़ाई है, मैं दिल से कहता हूं अभी हमारे देश की वर्किंग क्लास और दुनिया की वर्किंग क्लास लड़ती बहुत है, लेकिन अभी इकोनॉमिज्म का शिकार ज्यादा है। मैं ये किसी को रामत नहीं देता भी मैं बहुत अच्छा हूं तो वर्किंग क्लास ने ये क्यों किया, इस इकोनॉमिज्म से कैसे निकलना है ये हमें विचार करना चाहिए। आर्थिक लड़ाई लड़े बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन दूसरा लड़ाई जो राजनीतिक और विचारधारक लड़ाई है हमने उसकी बहुत अपेक्षा की, ये आरएसएस वाले उसी राजनीतिक विचारधारा के बाद से ही गांव गांव में फैले हुए हैं, उनकी ताकतों कम करके मत देखिएगा, वो ऐसा नहीं हर नहीं सकते, हरने की हमारे पास स्ट्रेटजी है, लेकिन मेरा कहने का कि वो जो ये विचारधारा की लड़ाई है ना हम इसको भी देखे, हमने किसान आंदोलन में बहुत से शर्त निकालेंगे, मैं एक शर्त निकालता हूँ कि इतना बड़ा आंदोलन करने के बाद भी दिल्ली के मंच के ऊपर ये बात ज्यादा जोर देके कही गई हमारी राजनीति कोई नहीं है, ये कहने की जरूरत नहीं थी, ये कहने की जरूरत थी कि हम किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन हमारी राजनीति है हम देश के सत्ता से उठाना चाहते हैं मोदी साहब को और मजदूर किसान की सत्ता पे कब्जा चाहते हैं। अभी पंजाब में लड़ाई भी बहुत लड़ी लेकिन दिल गिर गए जो लोग बहुत कर दिए गए, मेरा ये कहने का कि वामपंथ वाली तीसरी बात मेरी विनती ये है कि कोई ऑल इंडिया सम्मेलन कीजिए, वामपंथ आगे बढ़ेगा तो बहुत से लोग आगे और बढ़ जाएंगे साथ में, जैसे सबने ठीक कहा एक बड़ी वामपंथ अकेला नहीं बस उनको हरा सकेगा, लेकिन वामपंथ कारपोर ग्रामीणों के खिलाफ लड़ने वाला एकमात्र पंथ है वामपंथ, वो लड़ाई यही लड़ेगा, लेकिन जो मोदी को हराने का सवाल है उसके बारे में दूसरे लोगों को भी साथ लेना होगा, जैसे किसान मोर्चे तो मुझे है कि ऐसा कुछ सम्मेलन भी कीजिए जिसमें हम लोग सारे देश में आए, हम छोटे हैं हमें थोड़ा समय दे दीजिए, नाम ही दीजिए पीछे बैठ जाएंगे, बड़े ऐसी बात नहीं है, मेरा कहने का कि देश में खतरा बहुत बड़ा है, इसलिए एक तो है कि हमारी आपसे में तो संवाद रचे, दूसरा वामपंथ को एकजुट करने के लिए अभी एक पार्टी को नहीं कहता मैं एकजुट होकर लड़े, तीसरा है कि आह्वान करें लोगों को कि वामपंथ ये चाहता है ताकि फिर दूसरे लोगों को भी हौसला बने वो भी हमारे साथ आए ताकि फिर तो फाशीवाद को हराया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि हमें आपसे बात करने का मौका दिया। जय जनता जय श्री कृष्ण।